नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत अच्छा और इजी रेसिपी बनाने वाले हैं। ये बहुत हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है ये रेसिपी, आप लोग खा सकते हो, बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो ये है नो ऑयल चिकन विथ बैम्बू शूट। बैम्बू शूट को ऐसे में इसमें बाह गाज बोलते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमने चिकन लिया है 600 ग्राम। फिर हमें चाहिए टमाटर का पेस्ट, ये हमने एक टमाटर पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमें ये पेस्ट चाहिए, इसमें अदरक, लहसुन, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और कच्चा मिर्ची, ये सब कुछ हमने एक साथ में डाल के पेस्ट करके रखा है। फिर हमें चाहिए ये बैम्बू शूट। फिर हमें प्याज साई चाहिए। हमें ये सब कुछ मिक्स करना होगा। ये चिकन में हम पहले ये प्याज डालेंगे, हमने बारीक काट के रखा है प्याज। उसके बाद हम इसमें जो टमाटर पेस्ट था वो डाल देंगे। ये हमने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लेके पेस्ट किया है। उसके बाद हम इसमें जो हमारा ये पेस्ट था, अदरक, लहसुन, जीरा धनिया पाउडर, हल्दी और कच्चा मिर्ची का, ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे ये जो हमारा बैम्बू शूट है, ये हम डाल देंगे। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो क्वांटिटी। नमक हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हम नॉन स्टिक पैन में कुक कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप अभी इसी टाइम पे नमक डाल सकते हो, उससे पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमें इसे मिक्स करना होगा। आप लोग देख रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसे हमें अभी 30 मिनट्स तक रखना है फ्रिज में। देख सकते हो हमारा ये पैन, नॉनस्टिक पैन हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें चिकन डाल देने वाले हैं जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये चिकन डालना है पैन में और फिर उसे ढक्कन लगा के रखना है और टाइम टू टाइम इसे बस स्टर करते रहना है और कुछ भी नहीं करना है। ये जितना इजी है खाने में उतना ज़्यादा अच्छा है और ये हेल्दी भी है, बिकॉज़ हमने यहाँ पर ऑयल नहीं यूज़ किया है। तो आप लोगों को आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा ये डिश। चिकन हमने डाल दिया है, अभी हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम एज़ पर टेस्ट दे रहे हैं, आप देख सकते हो। नमक डालने के बाद इससे पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे करीब 5-6 मिनट्स के लिए, और एवरी 5-6 मिनट्स के इंटरवल पे आपको इसे स्टर करना है और कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप रेडी हो जाएगा। तो ये करीब हमारा थर्ड टाइम का इंटरवल है, आप देख सकते हो इसमें से ऑयल रिलीज़ हो रहा है। ये ऑयल जो चिकन का होता है वही ऑयल है, कुछ अलग ऑयल हमने डाला नहीं है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो आलू आप देख रहे हो ये हमने फ्राई करके डाला हुआ है, क्योंकि हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था तो ऑलरेडी उसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का होगा, जिसको ऐसे में इसमें जूल बोलते हैं, वैसा होगा ये थोड़ा। ये बस और ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद ही बस ये रेडी हो जाएगा हमारा चिकन। सो अभी पानी डालने के बाद, ये 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। हमने यहाँ पर धनिया डाल दिया था, वो वीडियो कैसे बस मिस हो गया। आप लोग धनिया डाल देना, धनिया कच्चा धनिया पत्ता वो डाल देना, अच्छा इससे स्वाद और ज़्यादा आता है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है, और इतना कम टाइम में बिना कुछ मेहनत किए हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।